याद है मैंने आपके जो आगे 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 जो भी याद पीछे जाओ, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक। चल चल, मैं तो कहता हूँ आप उस साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे खान साहब, उसमें जो आप कह रहे हैं ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है खान साहब, उसमें जो आप। ऑडियो की तरह साइफर को भी सामने लाया जाए, कौम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। ऑडियो लीक पर इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अभी तो इस पर खेला ही नहीं, हुकूमत जितना एक्सपोज करेगी उतना ही इस पर खेलूंगा। पंजाब हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑडियो शहबाज शरीफ ने लीक कराई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है, मामला अदालत में ले जाने का इंदिया। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैं एक जलसे के लिए आ रहा हूँ, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक उसके अंदर लोगों को शामिल करने आ रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब वहाँ होंगे, हकीकी आज़ादी की भी बात करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुजफ्फराबाद में सियासी पावर शो करेगी, तैयारियाँ मुकम्मल, स्टेज सज गया, शहरी एक दिन पहले ही जलसागाह पहुँच गए। इमरान खान कहते हैं आपके शहर आ रहा हूं, हकीकी आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी पर बात करूंगा, आवाम भरपूर शिरकत करें। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी, सरबराही वजीर दाखिला राना सनाउल्ला करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का ऐलामिया जारी। अमरीकी साइफर को इमरान खान से छुपाया गया, इमरान खान और आजम खान की मुबैना ऑडियो में इंकशाफ, लीक ऑडियो में उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वजीर आजम इमरान खान को साइफर से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। गुफ्तगू में साइफर की तस्दीक होती है जिसमें बताया गया है कि सफीर ने लिखा साइफर के बाद डिमोरिश किया जाए। खान की जासूसी का फायदे कोई नहीं है, उसकी वजह है कि जो कमरे में कहना है वही बाहर कहना है। ये पहला एक ऑडियो लीक है जिसको बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है। ये देखा ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख चुके हैं, उस पर क्यों नहीं तहकीकात हो रही? अब इस ऑडियो के बाद तो और ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करवाए। इमरान खान की ऑडियो वजीर आजम ऑफिस ने जारी की, चीफ जस्टिस ऑडियो लीक पर नोटिस लें, फवाद चौधरी का मुतालबा। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि बहुत पहले रिकॉर्ड पर ला चुका था कि साइफर इमरान खान से छुपाया गया, आज साबित हो गया। महमूद रशीद ने कहा कि साइफर एक हकीकत है, नून लीग के मीडिया सेल ने आज साबित कर दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि साइफर निकालें, आपको सब समझ आ जाएगी। दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आजम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कोर कमांडर्स की बारिशों और सैलाब मुतासर अफराद से इजहार यकजहती, आर्मी चीफ की डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुतासरीन के इलाज और खिदमात की तारीफ। लंदन से लाए गए सागदार ने एक बार फिर वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया, अहदा संभालते ही पीटीएम का वही घिसा पिटा बयानियां दोहराने लगे, कहते हैं कि 4 साल का गन 6 माह में ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीटीआई हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, मौशी टीम में अहम तब्दीलियों का फैसला, वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान, सेक्रेटरी हामिद याकूब शेख की भी तब्दीली का इम्कान। बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, जिसकी मेन वजह जो है 4.5 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। खुदा के लिए बस कर दें, पाकिस्तान को आगे जाने दें। सबसे पहले ये हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। ना हम डील में बिलीव करते हैं और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। शहबाज हुकूमत में वज़रा की फौज ज़फ़रे मौज, कौमी खजाने पर बोझ, वफाकी काबीना में एक और इजाफा, साबिक अटर्नी जनरल इरफान कादिर वज़ीर आज़म के मौवन खुसूसी मुकर्रर, इरफान कादिर का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा, काबीना का हजम 74 रुकनी हो गया।
शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में हालात कशीदा होने का खदशा, किसान इत्तेहाद ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मुजाहिरीन के पास पहुंच गई। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने पहल की तो जिम्मेदार खुद होगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।